सिमटेक का चार्ज कंट्रोलर है ये, इसकी प्राइस है सर 29,000 रुपए। जब जितना नीचे आया था ना, सबसे नीचे सोलर जी, अब दोबारा उस पोजीशन पे आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कम तरीन सतह पे आ गए चार्ज कंट्रोलर, ये तो मार्केट में इस पर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। आपके पास कैसे आ गया जी भाई? जिनको 555 वॉट पी टाइप, ये पैनल आपको मिलेगा 37 रुपीज पर वॉट। 37 रुपीज पर वॉट। ये 1.2 किलोवाट कन्वर्टर है, 2000 वॉट इसकी पैनल सपोर्ट है। सही। इसकी प्राइस है 68,000 रुपीज। 68,000 जी बिल्कुल। प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और अब ये के ना सिर्फ सोलर पैनल में बल्कि सोलर इन्वर्टर के रेट्स जो हैं वो भी कम हुए हैं मार्केट में। तो जो प्राइस सोलर टैक्स के अंदेशे में जो प्राइस बढ़ी थी वो दोबारा कम हो गई है। बिल्कुल। 5.6 किलोवाट, 6 किलोवाट, 6 किलोवाट, ठीक है। अब 1-1 लाख रुपए का प्राइस में फर्क है एक ही चीज, वो सोलर पैनल के रेट तो बहुत ज्यादा नीचे आ गए, जो जितनी हवा भरी थी सब निकल गई। और वही जो कम तरीन रेट इस वक्त मार्केट में आपको मिलेगा, नहीं तो अगले 1-2-3 दिनों में जो रेट है वो मार्केट में कम तरीन रेट मिलेगा आपको। बाकी ये फोर्स के चार्ज कंट्रोलर हैं, इनकी प्राइस जो है वो 17,500 रुपए। 17,500 जी। तो सर्दी में भी काम करता है सोलर, गर्मी में भी काम करता है, ठीक है। सर्दी में भी सोलर से सूरज से जो है शुआएं आती है, ठीक है। वाहिद जो सोलर का दुश्मन है वो क्लाउड है। जब क्लाउड कवर हो जाता है तो सूरज की शुआएं नीचे नहीं आती रेज, तो उसमें जो है वो सोलर की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। अगर आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है जिसमें बैटरी और सोलर है, के इलेक्ट्रिक की शेयरिंग नहीं है, तो कम से कम लोड चलाएं ताकि जो है वो बंद ना हो लोड। आप अपने जो भी लोड चलाते हैं, अगर 4 पंखे चलाते हैं तो 2 पंखे चलाएं, 2 AC चलाते हैं तो 1 AC चलाएं, 1 AC चलाते हैं तो कोशिश करें AC ना चलाएं या बहुत कम चलाएं। ये नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट है, ठीक है। इसकी प्राइस है 3,70,000 रुपए। 3,70,000। मैक्स पावर कंपनी की भी अच्छी रेंज अवेलेबल है। ये मैक्स पावर का 4 किलोवाट इन्वर्टर है, सेंट्रॉनिक PV5000 Pro, यानी 5 किलोवाट के इस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, इसकी टच LCD है। इसकी प्राइस है 1,50,000 रुपए। 1,50,000। कौन जी? हीमो X6 का ये हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है जी। 580 वॉट का ये पैनल है, इसकी प्राइस है 38.5 रुपीज पर वॉट। 38 रुपीज जी। 38.5 जी। 38.50 रुपए पर वॉट इसकी प्राइस है। इन्वर्स का 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये डुअल बैटरी है, इसमें वाईफाई है और इसकी VDC रेंज कम है, यानी आप इस पे 2 सोलर पैनल भी लगाएं तो ये सही काम करेगा। सही है। इसके क्या प्राइस होंगे? इसकी प्राइस है सर 92,000 रुपीज। 92,000, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगले भाई, आप तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अपडेट लेके आए हैं? प्राइस सुना है कि काफी नीचे आ रहे हैं, तो आपके पास भी हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गुड न्यूज है तो बताइए। जी सर, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और अब ये के ना सिर्फ सोलर पैनल में बल्कि सोलर इन्वर्टर के रेट्स जो है वो भी कम हुए हैं मार्केट में, क्योंकि इन्वर्टर की जो है वो सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे सोलर पैनल्स का हमने आपको बताया था कि जी सप्लाई ज्यादा आ गए हैं तो रेट कम हो रहा है, इसी तरह सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस जो है अब कमी की तरफ। अच्छा, सोलर इन्वर्टर की भी प्राइस नीचे आ गए हैं? जबरदस्त, आपने बहुत गुड न्यूज दी है, जबरदस्त जी। कंपनी रेट्स तो नीचे नहीं आए, लेकिन जो रेट्स आर्टिफिशियली मार्केट में बढ़े रहते वो बहरहाल कुछ कम हुए हैं। वो सोलर पैनल के रेट तो बहुत ज्यादा नीचे आ गए, जो जितनी हवा भरी थी सब निकल गई। और वही जो कम तरीन रेट इस वक्त मार्केट में आपको मिलेगा, नहीं तो अगले 1-2-3 दिनों में जो रेट है वो मार्केट में कम तरीन रेट मिलेगा आपको। जब जितना नीचे आया था ना, सबसे नीचे सोलर जी, अब दोबारा उस पोजीशन पे आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कम तरीन सतह पे आ गए प्राइस। इससे पहले भी ये रेट हो गए थे, अब दोबारा हो गए जी, क्योंकि टैक्स की खबरें थी, रेट बढ़ा, बीच में काफी बढ़ा गया था, दोबारा रेट नीचे हो गया। अच्छा ये बताइए, आजकल तो पाकिस्तान में बारिशों का सीजन है, सोलर पैनल की वर्किंग कैसी हो जाती है? क्या यानी कि बादल आ जाते हैं या बारिश होती है तो उसमें सोलर पैनल किस तरह काम करते हैं? देखें, बाज अवकात लोगों को इससे होता है कि सूरज का ताल्लुक गर्मी से नहीं होता। अच्छा। सोलर जो है उसका ताल्लुक सूरज की रेस से, शुआओं से। सही। तो सर्दी में भी काम करता है सोलर, गर्मी में भी काम करता है, ठीक है। सर्दी में भी सोलर से सूरज से जो है शुआएं आती हैं, ठीक है। वाहिद जो सोलर का दुश्मन है वो क्लाउड है। जब क्लाउड कवर हो जाता है तो सूरज की शुआएं नीचे नहीं आती रेस, तो उसमें जो है वो सोलर की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है, आधी या उससे भी कम रह जाती है बारिश के मौसम में सोलर की परफॉर्मेंस। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है जिसमें बैटरी और सोलर है, के इलेक्ट्रिक की शेयरिंग नहीं है, तो कम से कम लोड चलाएं ताकि जो है वो बंद ना हो लोड। आप अपने जो भी लोड चलाते हैं, अगर 4 पंखे चलाते हैं तो 2 पंखे चलाएं, 2 AC चलाते हैं तो 1 AC चलाएं, 1 AC चलाते हैं तो कोशिश करें AC ना चलाएं या बहुत कम चलाएं,
ताकि जो है वो बैटरी पे ज्यादा लोड ना पड़े, आपका सोलर से ही लोड चल जाए। अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है जो के इलेक्ट्रिक से भी शेयरिंग कर सकता है तो आप अपना नॉर्मल इस्तेमाल करें, उसमें जो है वो अगर उसको सोलर कम पड़ेगा तो के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग कर लेगा, आपके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोड शेडिंग की सूरत में इफेक्ट पड़ेगा जब के इलेक्ट्रिक नहीं होगी जी, अब लाइट, क्योंकि हमारे कराची में लाइट जाना बारिश के साथ वाजिब है। सही बात है, यानी वैसे ही चली जाती है, बारिश हो रही है तो अब तक लाइट चली गई, दो बूंदे पड़ती है और लाइट चली जाती है, करंट जो है वो गली में आ रहा होता, घर में नहीं आ रहा होता बारिश में। ऐसा ही है, तो उसका तरीका ये है कि फिर आप लाइट गई है तो आप कम इस्तेमाल करें लोड, क्योंकि सोलर जो है बारिश में 50% या उससे कम काम करता है। अच्छा, यानी एफिशिएंसी 50% पे आ जाती है। सही। अच्छा ये बताइए, 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक का सिस्टम अगर कोई लगवाना चाहे तो उसपे क्या कितना खर्चा आ जाता है और क्या क्या सामान लगता है? देखिए, 1 किलो सोलर सिस्टम में बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं, इन्वर्टर, पैनल, बैटरी। सोलर पैनल बिजली बनाता है, बैटरी स्टोर करती है, इन्वर्टर ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है जो के इलेक्ट्रिक, सोलर और बैटरी इन सबको मैनेज कर रहा होता है जी। ये 3 चीजें लगती हैं, चौथी चीज है स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पीछे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये जिसपे सोलर पैनल लगता है जी। ये हाई राइज स्ट्रक्चर है, ये L2 स्टैंड है कि आप छत पे जमीन पे लगा लें, ये तीसरी चीज है। और बाकी चीजें भी आपको दिखा देते हैं, ये बैटरी है हॉक कंपनी की, टॉल ट्यूबलर बैटरी। सही। हमने आपसे कहा बुनियादी तौर पर 3 चीजें होती हैं, पहली चीज सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये इस तरह लगे हुए स्ट्रक्चर पे, ठीक है जी। दूसरी चीज बैटरी है, ये स्टोर करती है। तीसरी चीज इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, वेरी ऑन, और दूसरे इन्वर्टर भी यहाँ लगे हुए। तो आप ये इन्वर्टर का काम क्या होता है, बैटरी, सोलर और पैनल, तीनों चीजों को मैनेज करना। सबसे पहले वो सोलर से चलाता है, फिर के इलेक्ट्रिक से या बैटरी से, जैसी हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, आपका सवाल ये था कि सोलर पे खर्चा कितना आता है, तो हमने आपको बताया बैटरी आप कौन सी लगाते हैं, आपके यहाँ कितनी लोड शेडिंग है। ये हर सिस्टम हर घर के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर हम आसान आसान उसमें बताएं तो 1 किलोवाट 2 लाख इन्वर्टर का लगाएं तो 2 लाख से 2 लाख 25 हजार, 2.5 किलोवाट का सिस्टम को 3 से 3.5 लाख का पड़ता है, 3 किलोवाट का सिस्टम 4 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख में भी लग सकता है, 6 में भी 6.5 में भी, डिपेंड करता है कौन सा इन्वर्टर लगाते हैं, कौन सी बैटरी लगाते हैं, क्या आप कितने पैनल लगाते हैं। 3 किलोवाट का इन्वर्टर हम बात करें तो होम एज का 1,20,000 रुपए का है। सही। इन्वर्टर का नाइट्रोक्स 3 किलोवाट 2,40,000 रुपए का है, डबल का फर्क है प्राइस का। तो इसलिए हम रैंडम ये नहीं कह सकते कि 3 किलोवाट का सिस्टम कितने का लगेगा, क्योंकि बाज औकात लोग 3 किलोवाट में पैनल 4 भी लगाते हैं 2 किलोवाट के, कुछ लोग 8 पैनल लगाते हैं, 4 किलोवाट के पैनल भी लगाते हैं। जितना लोड होता है, इसका जितना लोड होता है, जिसकी जैसी घर में जरूरत हो, जैसी लोड शेडिंग हो, जैसा बजट हो, उसके हिसाब से सिस्टम बनता है। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये टीम है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। कोई सा भी सिस्टम लगवाना चाहे अगर, तमाम मटेरियल से लेकर इंस्टॉलेशन तक सारे काम करते हैं। ठीक जी, हम आपको अपने पास जो सोलर इन्वर्टर्स का स्टॉक है उसके बारे में बताएंगे, उनकी प्राइसेस आगा। प्राइसेस कुछ डाउन हुई है? जी बिल्कुल, कुछ प्राइस कम हुई है। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे हम इन्वर्टर्स के वेरियन 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर से। ये 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2000 वॉट इसकी पैनल सपोर्ट है। सही। इसकी प्राइस है 68,000 रुपीज़। जी बिल्कुल, काफी फर्क पड़ गया है जी, कुछ कम हुई है प्राइस, जबरदस्त। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टर का 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये डुअल बैटरी है, उस पर आप 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन्वर्टर का प्रीमियम मॉडल है वाईफाई, ये 2023 का मॉडल है जी। 2.5 बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये 2024 का मॉडल है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है। इसमें क्या इजाफी फीचर्स है, वो ये कि इसमें वाईफाई है और इसकी VDC रेंज कम है, यानी आप इस पर 2 सोलर पैनल भी लगाएं तो ये सही काम करेगा। सही है। इसकी क्या प्राइस होंगे? इसकी प्राइस है सर 92,000 रुपीज़। इसके अंदर पैरेलल किट है, यानी आप 6 और 6 मिला के 12 बना सकते हैं, 9 यूनिट पैरेलल इसके कर सकते हैं, वाईफाई इसमें बिल्ट इन है। इसकी मौजूदा कीमत है 2,65,000 रुपए। 2,65,000 जी। ठीक। इसके साथ इन्वर्टर का यूकॉन 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है जी। अच्छा जी, ये 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, फर्क कोई ज्यादा नहीं है वॉट्स में, प्राइस में बहुत फर्क है। इसकी प्राइस है 1,85,000, इसकी प्राइस है 2,65,000। काफी फर्क है जी, काफी फर्क है। फर्क क्यों है ये हम आपको बताएंगे जी। ये इन्वर्टर जो है वो रियल टाइम शेयरिंग ऑफर नहीं करता, इसमें वेरियन 6 किलोवाट फुल फीचर्स के साथ है, इसमें वाईफाई है, यूकॉन में वाईफाई नहीं है,
वेरियन डुअल आउटपुट है, ये सिंगल आउटपुट है। वेरियन में 6.5 किलोवाट के पैनल लगते हैं, इसमें 6 किलोवाट के लगते हैं। और वेरियन में रियल टाइम शेयरिंग है, यानी हाइब्रिड इन्वर्टर है। ठीक है, अगर आप बैटरी ना भी लगाएं तो इलेक्ट्रिक से शेयरिंग करेगा, जबकि यूकॉन बैटरी से शेयरिंग करता है। तो फीचर्स का फर्क होता है। इसी का इसमें जो थर्ड मॉडल है वो नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट है जी। अगर इसी के साथ में आपको यहाँ जो है मिलकर सारे मॉडल्स का इकट्ठा कंपेरिजन कर लेते हैं जी, जी। ये नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट है, ठीक है। इसकी प्राइस है 3,70,000 रुपए, 3,70,000 जी। 370, 265, 185, 5.6 किलोवाट, 6 किलोवाट, 6 किलोवाट, ठीक है। अब 1-1 लाख रुपए का प्राइस में फर्क है, है एक ही चीज। इसका अगर डिफरेंस समझना तो आप ऐसे समझिए कि ऑल्टो में भी 5 लोग बैठ के सफर करते हैं, करोला में भी 5 लोग सफर करते हैं, लैंड क्रूजर में भी 5 लोग सफर करते हैं। बिल्कुल, तीनों गाड़ियां 5 लोग 6 लोग को ले जाती हैं। फर्क पैसों में जो है वो जमीन आसमान का होता है। क्या फर्क होता है? फीचर्स का फर्क होता है, लाइफ का फर्क होता है। तो यही इन्वेरेक्स के हमारे 3 मॉडल्स हैं। हर बजट रेंज के हिसाब से इन्होंने मॉडल बनाए हैं। अभी हाइब्रिड इन्वर्टर है 2,65,000 रुपए का जी। ये 3,70,000 रुपए का इन्वर्टर है, नाइट्रॉक 6 किलोवाट हाइब्रिड। सही, इसकी 5 ईयर्स की वारंटी है, IP65 रेटिंग है, यानी डस्ट प्रूफ है, शावर प्रूफ है। आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है जी। पाकिस्तान का सबसे महंगा, सबसे ज्यादा बिकने वाला इन्वर्टर है। इसके अलावा हमारे पास इन्वरेक्स का नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी अवेलेबल है, उसकी प्राइस है 2,40,000 रुपए। प्रीवियसली वो 2.5 लाख या उससे ऊपर चल रहा था, तो 2,40,000 नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट की प्राइस है। और इसके अलावा कुछ अदर ब्रांड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास इन्वरेक्स के अलावा मैक्स पावर कंपनी की भी अच्छी रेंज अवेलेबल है। ये मैक्स पावर का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, सेंट्रॉनिक PV5000 Pro, यानी 5 किलोवाट का इस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, इसकी टच LCD है। इसकी प्राइस है 1,50,000 रुपए, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है। 4 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है। इसकी वारंटी क्या होगी? इसकी वारंटी 18 महीने है। मैक्स पावर की वारंटी कम है, 1.5 साल वारंटी है। उसमें 2 टाइम्स जो है वो आप रिपेयर कर वारंटी क्लेम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कंपनी वारंटी क्लेम करती है, लेकिन उसकी आपसे चार्जेस लेती है। सही जी। इसमें डुअल आउटपुट इन्होंने 4 किलोवाट में इंट्रोड्यूस करवाया। डुअल आउटपुट से फायदा ये होता है कि आप एक साइड पे हैवी लोड, एक पे स्मार्ट लोड चला सकते हैं। अच्छा। यानी एसी की वायरिंग अलग कर दें, लाइट जाएगी तो एसी बंद हो जाएगा, बाकी पंखे लाइटें चलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये मैक्स पावर का सनट्रॉनिक PV7000 मॉडल है, ये भी बहुत मकबूल मॉडल है मैक्स पावर का। 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, बिल्ट इन वाईफाई, पैरेलल सर्किट, जो सारे फीचर्स एक इन्वर्टर में होते हैं इसमें अवेलेबल है। डुअल आउटपुट है, इसकी प्राइस है 2,05,000, 2,05,000। इसकी प्राइस भी कम हुई है, प्रीवियसली 2,15,000 तक इसकी प्राइस थी, 2,05,000 रुपए इसकी प्राइस हो गई। फिर ये मॉडल है मैक्स पावर का PV6000 Pro, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पे 6 किलोवाट के पैनल लगते हैं। ये बजट सीरीज है, ये भी हाइब्रिड है, इसकी प्राइस है 1,75,000 रुपए, 1,75,000। तो फिर हमारे पास IP65 रेंज अवेलेबल है मैक्स पावर कंपनी की, 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 3,25,000 रुपए, 3,25,000 जी। 6 किलोवाट का हाइब्रिड 3.5 लाख इसकी रिटेल है। अभी प्राइस जो है अच्छी ऑफर कर रहा है, जैसे हमने आपको बताया था प्राइसेस कम हुई है मार्केट में, 3,25,000 में 6 किलोवाट मिल रहा है। इसी का 8 किलोवाट है, उसकी प्राइस है 4,35,000 रुपए, 4,35,000 रुपए उसकी कीमत है। ये फॉर द लिमिटेड टाइम ऑफर है, 5 ईयर्स की इसकी वारंटी है, मैक्स पावर की वोल्टा सीरीज IP65, ठीक है। अब हम आपको लिए चलते हैं चार्ज कंट्रोलर्स की तरफ। चार्ज कंट्रोलर ये तो मार्केट में इस वक्त ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, आपके पास कहां से आ जाएगी भाई जी? देखें, जो चीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हमें वो रखनी होती है। चार्ज कंट्रोलर जो है इसकी आजकल जो है वो ये नायाब इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्वर्टर्स की प्राइसेस ज्यादा हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं जी हम डायरेक्ट DC सिस्टम चला लें, पैनल से बैटरी कनेक्ट करके DC पंखा चला लें, तो उसमें ये यूज होते हैं। इसकी 3 महीने पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 10,000 रुपए का होता था और 20,000 रुपए का हुआ है। अच्छा, कीमत हो गई है तकरीबन, डिमांड भी बहुत ज्यादा है जी, उसके बावजूद स्टॉक नहीं, डबल प्राइस हो गए फिर भी माल नहीं है क्योंकि जो है डिमांड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फोर्स कंपनी का चार्ज कंट्रोलर है, ये सिंटेक का चार्ज कंट्रोलर है। अगर हम चार्ज कंट्रोलर्स की दुनिया में बात करें तो ये चार्ज कंट्रोलर्स का इन्वरेक्स है, यानी प्रीमियम क्वालिटी है, सबसे बेहतरीन चार्जर है और सबसे महंगा भी है। सही, बहुत मेजर डिफरेंस है प्राइसेस में, लेकिन क्वालिटी भी जो है वो
इसकी स्टैंडर्ड है। सिमटेक का चार्ज कंट्रोलर है ये, इसकी प्राइस है सर 29,000 रुपए। जी 29,000 इसकी प्राइस है। और इससे जो है वो आप दो सोलर पैनल लगा सकते हैं बड़े, चार पांच पंखे आप जैसे चलाते हैं। वैसे डीसी सिस्टम आइडियली दो पंखों के लिए होना चाहिए। इसकी वारंटी क्या आती है? इसकी वारंटी सबकी 6 मंथ होती है। 6 मंथ की होती है जी, ठीक है। बाकी ये फोर्स के चार्ज कंट्रोलर हैं, इनकी प्राइस जो है वो 17,500 रुपए। 17,500 जी बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ आप दो बड़े सोलर पैनल लगा लें या एक पैनल लगा लें, बैटरी कनेक्ट कर लें और डायरेक्ट पंखे चलाए। ये हम आपको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। हमारे पास इसका लिमिटेड स्टॉक है। ये फोर्स का चार्ज कंट्रोलर है, ये वारंटी कार्ड है अपने जी, इसके साथ इसका मैनुअल है। और ये जो है वो ये फोर्स कंपनी का चार्ज कंट्रोलर है, 17,500 रुपीज। ये सिमटेक का है 29,000 रुपए। 29,000, ठीक है। दोनों की वारंटी डिफरेंट होती है, दोनों की 6 मंथ वारंटी है, दो अलग अलग कंपनी है। अच्छा ठीक है। फिर भाई सोलर पैनल के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन कौन से हैं और प्राइसेस क्या चल रही है? जी सोलर पैनल की प्राइसेस बहुत कम हो गई, जैसे हमने आपको बताया था जो तारीख पाकिस्तान में कम तरीन सतह थी सोलर पैनल की, जो कि रमजान से कुछ पहले रेट हो गया था जी। अब बकरीद के बाद भी उसी रेट पे स्टॉक आ गया है। जुलाई का जून का महीना गुजर गया है, जो बजट में सारी चीजें वाजे हो गई है, गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया, तो जो प्राइस सोलर टैक्स के अंदेशे में जो प्राइस बढ़ी थी वो दोबारा कम हो गई है। और लेकिन वो लोग जो सोलर लगा चुके हैं उन्होंने दिल बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि प्राइस जितनी कम हुई है उससे ज्यादा वो बिजली पे बिजली के बिल पे बचा चुके हैं। और जो लोग अब सोलर लगाने का इरादा करते हैं तो प्राइस कम हो गई है, लेकिन इससे बढ़ भी जाए तो जो बिजली का रेट है वो इससे कई गुना ज्यादा है। सोलर के 2-4 रुपए बढ़ने कम होने को ना देखा करें। और आप तो सोलर लगाने का इरादा है, बजट है, छत पे जगह है, पहली फुर्सत में सोलर लगा लें। ये 2-4 रुपए कम होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक सिस्टम पे आपने 10,000 रुपए बचा लिया, इससे ज्यादा आपने बिजली का बिल बचा लिया होगा, ऐसा ही है। तो इसको ना देखा करें। आज की प्राइसेस की क्या अपडेट है हम आपको बता देते हैं जी। हमारे पास स्टॉक है सबसे सस्ते शुरू करिए तो जिनको 555 वॉट पी टाइप, ये पैनल आपको मिलेगा 37 रुपीज पर वॉट। 37 रुपीज पर वॉट, 37 रुपए पर वॉट में मिलेगा जिनको 555 वॉट पी टाइप का पैनल। आगे लॉन्जी हीमो X6 का ये हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, 580 वॉट का ये पैनल है, इसकी प्राइस है 38.5 रुपीज पर वॉट। 38 रुपीज जी, 38.5 जी, 38.50 रुपए पर वॉट इसकी प्राइस है। ये हमारे बीच है जिनको का बायफेशियल पैनल है जी, जिनको 585 वॉट एन टाइप बायफेशियल जी, इसकी प्राइस जो है मौजूदा वो है 40 रुपए 50 पैसे, 40.5 पर वॉट, ठीक है, 40 रुपए 50 पैसे पर वॉट है। आपको जो है इसे 40 पर वॉट में दे देंगे, 40 रुपीज में दे देंगे। रेट कम हो रहा है मुसलसल, जो रेट 2 दिन बाद देना है वो आज आपको ऑफर कर दें। 40 रुपए पर वॉट जो है वो जिनको बायफेशियल का रेट है, सही। और इसके अलावा इन्वरेक्स का 575 वॉट एन टाइप बायफेशियल, इसकी पाकिस्तान में 15 साल की वारंटी है, इसकी प्राइस है 42 रुपीज पर वॉट। 42 रुपीज पर वॉट इन्वरेक्स की प्राइस 42 रुपीज पर वॉट है। 41.75 जो है वो करंट ऑफर प्राइस है एक व्यूअर्स के लिए, ठीक है। और जितने भी पैनल आपके पास है वो एक ग्रेड TR1, सारे TR1 एक ग्रेड डॉक्यूमेंट के साथ जी सर। आखिर में आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए और शॉप की लोकेशन। ये हमारा नंबर है 0337 इन्वरेक्स, 0337-4683739। इस नंबर पे आप रापता कर सकते हैं, कॉल पे बात ना हो तो व्हाट्सएप कर दें, अपनी रिक्वायरमेंट, अपना बिजली का बिल या जो आपके सवाल आते हैं हम उसके लिए हाजिर हैं। हमारी लोकेशन है इन्वरेक्स बहादराबाद, आउटलेट है हम कैनवर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स, मेन शहीद मिल्लत रोड बहादराबाद, तारिक रोड अंडर पास के ऊपर, चार मियां चौरंगी से जो है वो 400 मीटर के फासले पर, दुबई इस्लामिक बैंक शहीद मिल्लत रोड के बराबर, जो तारिक रोड का अंडर पास है, मेन अंडर पास पे हमारा आउटलेट है, ठीक है। अच्छा ये संडे ओपन होती है? संडे ऑफ है हमारे घर वाले। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिल भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट शेयर की, बहुत अच्छे रेट दिए आपने इन्वर्टर के भी और सोलर पैनल के भी, बहुत जबरदस्त रेट दिए, शुक्रिया।